सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सरकारी परीक्षा पे दोस्तों सुबह हो चुकी है और आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आ चुके हैं आपके पीयूष सर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर पेन लेके बैठ जाइए और एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों मैं भी शेयर कर रहा हूँ और आप भी एक बार दोस्तों शेयर कर दें एक बार जो है अपने सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि जो है दोस्तों जो है सब तक ये सूचना पहुँच जाए कि भाई पीयूष सर की क्लास यहां पर शुरू हो चुकी है ठीक है चलिए दोस्तों सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में एक बार जो है डाल देते हैं ओके व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर शो को सारे शेयरिंग के बाद अब शुरू करते हैं दोस्तों ठीक है गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी लोगों को दोस्तों सबसे तेज सबसे पहले, सबसे पहले ज्यादा करंट अफेयर्स अगर कहीं होता है तो यही पर होता है अब एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा क्योंकि इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर यह क्लास डेली लाइव छह बजे होती है ओके क्लियर है याद रहेगा दोस्तों सरकारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और सरकारी परीक्षा डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं दोस्तों एक से एक मॉक टेस्ट का और स्टडी मटेरियल का पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है मेरे भाई पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है लाइक करिए दोस्तों शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों और सरकारी परीक्षा जो कि बहुत तगड़े कंटेंट देती है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए चाहे एस एस सी सी जी हो सी एच एस एल हो सब एग्जाम ओरिएटेड स्टडी मटेरियल्स वीडियोज ऑनलाइन कोर्सेज और मॉक टेस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है एक बार वेबसाइट पे जाकर के देखिए दोस्तों आपके काम की चीज़ है वहाँ पे दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिवर्सल कवरेज डे के उपलक्ष्य में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है तो दोस्तों जो है यहां पे जो है यूनिवर्सल कवरेज डे के उपलक्ष्य में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है यहां पे दोस्तों वाराणसी में किया गया है कहां पर किया गया वाराणसी जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है योगी जी ने दोस्तों यहां यूनिवर्सल कवरेज डे के दो दिवसीय भव्य आयोजन का दोस्तों जो है कॉन्क्लेव का दो दिन के कॉन्क्लेव का इनोग्रेशन किया है दोस्तों अभी वाराणसी की बात की जाए तो यहीं पर अभी काशी तमिल संगमम चल रही है जहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णो ने काशी तमिल संगमम ट्रेन चलाने की भी बात कही काशी वाराणसी का पुराना नाम है जिसका वर्णन ऋग्वेद में दुनिया का सबसे पुराना शहर जिसे माना जाता है दोस्तों और इसी वाराणसी में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वे सबमिट भी हुई थी जहां हाइड्रोजन से चलने वाली एक शिप का जो है आ, काम जो है कोचिंग शिपयार्ड को मिला था असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाली एक अंतारा कंपनी को दोस्तों गंगा विलास जो है आ, शिप चलाने का जो है आ, बोला गया था कि यहाँ से लेके वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक ये शिप चलेगी सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा है दोस्तों ठीक है क्लियर है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं जिनकी उपस्थिति में ये काम किया गया जिनकी उपस्थिति में ये काम किया गया योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक सर सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है तो दोस्तों यहाँ पर जो है आसाम ने जो है एक सरफ सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए दोस्तों जो है एक विधेयक को मंजूरी दी है इसे याद रखेंगे ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों आसाम की कैपिटल दिसपुर है और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और गवर्नर हैं दोस्तों जगदीश मुखी जगदीश मुखी दोस्तों नागालैंड के भी गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं ओके दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी सभागार में केरल के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है यह आपको बताना है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ केरल आई एफ एफ आई नहीं है नहीं तो वो गोवा वाला हो जाता है ये आई एफ एफ के है दोस्तों तो ये केरल का है दोस्तों फिल्म महोत्सव जिसे कि दोस्तों सत्ताईसवें एडिशन को केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में दोस्तों जो है शुरू किया गया है दोस्तों तिरुवनंतपुरम की बात करें तो दोस्तों आर्य राजेंद्रन यहाँ पे मेयर हैं जो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर है भारत की सबसे कम उम्र की मेयर है और केरल के तिरुवनंतपुरम में ही दोस्तों विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर है क्या है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर है याद रखिएगा पी विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों अभी के जो है केरल के ही जो है ग्राम वंडी योजना को बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का अवार्ड मिला था और केरल के स्ट्रीट योजना को दोस्तों जो है अभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड मिला था लंदन में ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों यहाँ पे ईरानियन डायरेक्टर महनाज मोहम्मदी जो ईरान में महिलाओं की आजादी के लिए लड़ती हैं उन्होंने स्पिरिट ऑफ सिनेमा अवार्ड जीता है स्पिरिट ऑफ सिनेमा अवॉर्ड जीता है दोस्तों याद रखेंगे ओके क्लियर चलिए दोस्तों किस कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर में साढ़े चार सौ मेगावाट की संयुक्त परिचालन में यानी कंबाइंड ऑपरेशनल जनरल कैपेसिटी वो भी साढ़े चार सौ मेगावाट की दोस्तों ये पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र की शुरुआत की है यानी कि थर्ड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की शुरुआत की थर्ड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की शुरुआत दोस्तों यहां पे अदानी ग्रीन एनर्जी ने की है किसने की है मेरे भाई अडानी ग्रीन एनर्जी ने की है ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त और दोस्तों आपको बताना है कि अभी जो है अडानी ने कहां पर 200 मीटर ऊंचा यानी कि स्टेचू ऑफ यूनिटी से ऊंचा विंड मिल लगाया है दोस्तों ये आपको बताना है कैसा क्वेश्चन है बताइए दोस्तों अदानी विल्मार भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है और अदानी ने एसीसी अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया जिसके बाद वो अल्ट्रा टेक बिड़ला की कंपनी के बाद दोस्तों वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी भी हो गए अदानी दोस्तों अभी जो है टॉप टेन वैल्युएबल कंपनियों में अदानी की कंपनी जो है नौवे नंबर पर आ गई है और दसवें पे बजाज फिंसर वा गई है जिसने एल को इला ग्यारहवें नंबर पे ढकेल दिया है टॉप टेन से बाहर कर दिया है दोस्तों किस बैंक ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बिछाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 780 मिलियन डॉलर के फाइनेंस को मंजूरी दी है तो दोस्तों यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे सात मिलियन डॉलर के फाइनेंस को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडकोार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला के मंडल योंग में और दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड है मसद सुबह अजाकावा और इसकी जो है उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जो हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त थे 19 दिसंबर 1966 को ये आई थी दोस्तों और 68 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है 68 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है दोस्तों ठीक है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों आरबीआई है अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच मॉनिटरी अथॉरिटी अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क तो दोस्तों करेंसी स्वैप एग्रीमेंट स्वैप एग्रीमेंट करेंसी से रिलेटेड होता है कि तुम हमारी करेंसी यूज करो हम तुम्हारी करेंसी यूज करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में और चाय लोन्स में दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो मालदीव के साथ ये जो है दोस्तो टाई अप हुआ है दोस्तों हुआ मालदीव की कैपिटल माले है जो कि दुनिया के बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है और भारत से भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो मालदीव से ही जाते हैं ये अभी रिपोर्ट में आया है सार्क की बात करें दोस्तों एस डबल ए आर सी तो ये दोस्तों आठ दक्षिण एशियाई देशों का भारत के पड़ोसी देशों का एक ग्रुप है जिस दक्षेष जिसे हिंदी में कहते हैं और जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो 1985 में आई थी और काठमांडू जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेन एमबीबीएस से याद रखते हैं पेन मतलब पी ए आई एन पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल और एमबीबीएस मतलब मालदीव भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका ये आठ देश है ये आठ देशों को निमंत्रित किया गया था 2014 में जब मोदी जी पहली बार शपथ ले रहे थे तो आठ देशों के जो है प्रधानमंत्री यहां पे आए थे दोस्तों ठीक है दोस्तों आ, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन की जो का हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है ये बात भी याद रखिएगा ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों हाल ही में किसने बांग्लादेश के खिलाफ ओ में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश रिसेंटली तो दोस्तों जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है ओ में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो ईशान किशन ने बनाया है ईशान किशन जो है दोस्तों जो है राह रोहित शर्मा की जगह टीम में लिए गए थे उन्हें आराम दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी सीरीज को हारने में तो उसके बाद जो है तीसरा और आखिरी मैच था तो इसमें ईशान किशन ने दोस्तों 126 बॉल पे 200 रन बनाए हैं डबल सेंचुरी बनाए सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाए सबसे पहली सेंचुरी दो है दोस्तों वो सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी सन 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने दोस्तों सबसे ज्यादा बार डबल सेंचुरी मारी है वनडे में और सबसे हाईएस्ट तीन बार डबल सेंचुरी मारी है और सबसे हाईएस्ट स्कोर दो रन का इन्हीं का है इन तीन बैट्समैन के अलावा वीरेंद्र सहवाग भी दोस्तों जो है मार चुके हैं डबल सेंचुरी वनडे में वनडे में डबल सेंचुरी मारना थोड़ा टफ होता है क्योंकि पचास ओवर का मैच होता है टेस्ट में तो बहुत लोगों ने मारे हैं ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अशोक लेलैंड के नए सीएमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है अशोक लेलैंड के सीएमडी के रूप में शैनू अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है दोस्तों अशोक लेलैंड के ट्रक्स आपने बहुत देखे होंगे अशोक लेलैंड हो चाहे इंडस इंड बैंक हो दोस्तों वो ब्रिटेन के हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है और हिंदुजा ब्रदर्स को दोस्तों एशिया के अभी रिचेस्ट वाले में इंग्लैंड में सबसे अमीर लोगों में शुमार किया गया है जिसमें ऋषि सुनक की वाइफ अक्षता मूर्ति जो है दोस्तों कौन से नंबर हैं बताइए जरा तो कौन से नंबर पे है दोस्तों अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बॉर्न कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो दोस्तों दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया देखिए फर्नीचर पे पीछे पॉट रखा हुआ है यही है ना रिटेल पॉटरी तीन तीन पॉटरी रखे हुए हैं मोमबत्ती भी रखी हुई है तो दोस्तों जो है उसका स्टैंड भी रखा है वो भी पॉटरी में आ जाएगा है कि नहीं तो दोस्तों बॉर्न कंपनी ने ब्रांड एम्बेजर दीपिका पादुकोण को बनाया दीपिका पादुकोण अभी कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ज्यूरी में भी थी दोस्तों और दीपिका पादुकोण अभी कतर में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके कप को भी अनावरण करेंगी उसके कप को भी दोस्तों जो है अनवेल यही करेंगी ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया शानदार तेरहवें नंबर पे है कि अठारहवें नंबर पे है बताओ शिव कुमार बताओ मेरे शेर तो दोस्तों जो है बहुत अच्छी बात है दोस्तों न्यूयॉर्क के सेंट्रल बैंक का नाम होता है फेडरल रिजर्व बैंक जैसे कि हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई दोस्तों वहां पर एक पहली बार कोई वाइस प्रेसिडेंट और सीओओ बना है इंडियन मूल की महिला तो दोस्तों भारतीय मूल की महिला सुष्मिता शुक्ला को अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का सीओ और दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है एग्जाम में आपके छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों सुष्मिता शुक्ला को रट के जाइएगा एग्जाम में ओके और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले फेडरल रिजर्व के सेंट्रल बोर्ड में आई के हेड अरविंद कृष्णा को भी लिया गया था क्योंकि तो सेंट्रल बोर्ड में तो अलग अलग सेक्टर के स्पेशलिस्ट को लिया ही जाता है तो उसी में अरविंद अर्वि, कृष्णा को बोर्ड में शामिल किया गया था वो भी भारतीय मूल के वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो मिनेश साह को अपॉइंट किया गया अब आप कहोगे सर ये चेयरमैन भी हैं और एमडी भी हैं तो चेयरमैन कोई है नहीं दिसंबर 2020 से तो ये चेयरमैन के अतिरिक्त प्रभार में हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोस्तों उन्नीस में आई थी जिसके पहले हेड थे वर्गीस कुरियन साहब वो अमूल के फाउंडर थे और उन्हें वाइट व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड का फादर कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है उनके बर्थडे 26 नवंबर पर हम लोग जो है दोस्तों नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं वर्गीस कुरियन साहब के बर्थडे पर 26 नवंबर को ठीक है दोस्तों पेरू के लीमा में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रही है और वहां पर लगातार खबरें आती जा रही हैं जब हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत रहे हैं तो दोस्तों यहां पर जो है सुकांत कदम ने भी गोल्ड मेडल जीता है किसने जीता है सुकांत कदम ने भी दोस्तों जो है गोल्ड मेडल जीता है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों नौसेना विशेष बल अभ्यास संगम का सातवा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया भारतीय नौसेना ने यह अभ्यास किस देश की नौसेना के साथ किया है तो दोस्तों संगम जो है गोवा में हुआ है ये जो है दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में नेवी एक्सरसाइज है नेवी एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों क्या रखा गया संगम अमेरिका और इंडिया के बीच में दोस्तों अभी अमेरिका और इंडिया के बीच में आर्मी एक्सरसाइज हुई थी उत्तराखंड के औली में और तपोवन में जिसका नाम था युद्धाभ्यास वहां पे ड्रोन को दोस्तों पकड़ने के लिए जो है बाजों का प्रयोग किया गया था उसका नाम अर्जुन था कल मैंने आप लोग को न्यूज में बताया था कल आपको मैंने किस वाले में बताया था मंथली में बताया था कि वीकली में बताया था मैंने आप लोग को बताया था ना दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे दोस्तों हर साल जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है दस दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है ओके okay, क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त थीम है दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे की डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल दोस्तों इसकी थीम है बात समझ में आ रही है क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनेबल एनर्जी एक्सटेंडेड द रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम टिल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को दोस्तों कब तक बढ़ाया है कब तक बढ़ाया है दोस्तों तो ये मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है कब तक बढ़ा दिया है मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों इसमें सब्सिडी मिलती है अगर आप अपने छत पे जो है सोलर रूफटॉप लगवाते हैं तो इसमें दोस्तों सब्सिडी मिलती है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया आवासीय उपभोक्ताओं को नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए दोस्तों किसी भी विक्रेता को अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने की सलाह दी गई है दोस्तों ठीक है मंत्रालय जो है पहले तीन किलोवाट के लिए चालीस परसेंट सब्सिडी और तीन किलोवाट से अधिक और दस किलोवाट तक के लिए दोस्तों जो है बीस परसेंट की सब्सिडी प्रदान कर रहा है दोस्तों इंडियन नेवी मरीन कमांडो मार्कोस इंडियन नेवी मरीन कमांडो मार्कोस और अमेरिका की नेवी सी एयर और लैंड टीमों के बीच एक ज्वाइंट नौसेना विशेष बल एक्सरसाइज संगम का कौन सा संस्करण दिसंबर में हुआ है जो गोवा में हो रहा है तो दोस्तों इंडियन नेवी की जो कमांडो है उसका नाम मार्कोस है याद रखिएगा मार्कोस का फुल नेम भी यहाँ लिखा हुआ है और दोस्तों आपको पता है कि संगम गोवा में हो रहा है गोवा में आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी हुई है और गोवा में अभी लूसोफोन महोत्सव भी हुआ है और गोवा में दोस्तों जो है अगला नेशनल गेम भी होने वाला है ठीक है ये सातवीं एक्स एडिशन है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है आपका ये सेवेंथ एडिशन है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों पहली बार जो ये संगम एक्सरसाइज हुई थी वो 1994 में हुई थी कब हुई थी 1994 में हुई थी पहली बार तो ये उसके बाद मतलब हमेशा नहीं होती होगी तभी तो ये केवल सेवेंथ ही एडिशन है इसीलिए देखिए हम लोग भी जब सारे एक्सरसाइज बताते हैं कि अमेरिका और इंडिया के बीच में वज्र प्रहार होता है और मालाबार होता है और ये होता है तो हम लोग कभी जो है संगम का जिक्र नहीं करते क्योंकि ये कभी कभी हुई है साथ ही बार अभी तक हुई है नाइनटीन नाइनटी फोर से लेकर अभी तक दोस्तों किस संगठन ने रिनेवेबल्स नाम की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें प्रमुख खोज यह है कि वे ग्लोबल रिनेवेबल पावर कैपेसिटी अगले पांच साल में दुगनी हो जाएगी अगले पांच साल में दोस्तों दुगनी हो जाएगी यह किसने कहा है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है जहां ओ का भी हेडक्वार्टर है और एफ ए टी एफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टी राजा कुमार वाली उसका भी हेडक्वार्टर है और दोस्तों यूनेस्को का भी हेडक्वाटर है आपको आई ए का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताइएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में बांग्लादेश नौसेना आई एफ आई ट्वेंटी टू बांग्लादेश नौसेना द्वारा आयोजित प्रथम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लिया नेवी का भाई इस समय एक्सरसाइज का समय चल रहा है तो बांग्लादेश ने आयोजित किया है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू तो दोस्तों उसमें भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज गए हैं तो भारत की तरफ से दोस्तों आईएनएस कोची आईएनएस एन और आईएनएस सुमेधा ये तीन दोस्तों जहाज यहां से गए हैं बात समझ में आ रही है बांग्लादेश अपना पहला मेडन मतलब पहला कर रहा है याद रखिएगा ठीक है, है ओके छ से नौ दिसंबर के बीच में ये होगा ओके कॉक्स बाजार बांग्लादेश में शेख हसीना दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की जो कि वहां की चीफ गेस्ट सबसे लंबे समय से जो है प्राइम मिनिस्टर सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं का है दोस्तों ठीक है बांग्लादेश में दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2035 तक अगली पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान को डेवलप करने के लिए जापान के साथ टाइप किया है तो दोस्तों यहां पे जो है आ, देखा जाए तो यूके ने और इटली ने यूके ने और इटली ने जापान के साथ टाइप किया है 2035 तक अब अगले जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए सोचिए एक आगे की बात ये लोग करते हैं हम लोग जो है कि 1985 वाला लड़ाकू विमान लेके चलते जो बाकी लोग उड़ाना बंद कर दिए उनके रिटायर्ड विमान हम खरीदते हैं दोस्तों किस बैंक ने हाल ही में महिला विमेन बोरोवर्स को 500 करोड़ रुपए के लोन के लिए एस क्रेडिट लाइन के साथ एक जो है को लेंडिंग एग्रीमेंट पर सह उधारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बैंक रिसेंटली इंटर्ड इन टू को लैंडिंग एग्रीमेंट विथ एस वी क्रेडिट लाइन फॉर रूपीज फाइव हंड्रेड करोड़ लोन टू वीमेन बोरो महिला उधारकर्ताओं को पांच सौ करोड़ रुपए लोन देने के लिए यहां पर इंडस इंड बैंक ने टाइप किया है बात समझ में आ रही है और एस वी क्रेडिट लाइन के साथ जो है दोस्तों ये को लेंडिंग एग्रीमेंट को लैंडिंग मॉडल दोस्तों ये जो है आर बी आई का सुझाया हुआ है कि किसी एन को पैसा नहीं है तो बैंक उसके साथ मिल करके के उस सेक्टर को लोन दे ताकि जो है भाई कस्टमर एस क्रेडिट लाइन के पास है और पैसा इंडस इंड बैंक के पास है दोनों मिल करके के लोन दें कुछ पैसा उसका भी लगे कुछ पैसा उसका भी लगे जिससे कि सेक्टर में भी मंदी ना आए और एन भी जो है पैसा देती रहे उसका भी काम चलता रहे इंडस इंड बैंक के सीईओ है सुमंत कटपालिया दोस्तों ठीक है इंडस्टिन बैंक हिंदुजा ग्रुप्स की है जो कि दोस्तों ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में आते हैं ठीक है तो दोस्तों ग्रामीण महिलाओं को एग्रीकल्चर के लिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए व्यापार के लिए इन सब गतिविधियों के लिए किफायती कंसेशनल लोन यहां पे दिया जाएगा ठीक है ओके तो दोस्तों ये जो है एस पी सी एल जो है केवल उन्हीं आ, महिला कस्टमरों को लोन देता है जिनकी इनकम लो इनकम सेगमेंट में आती है एक लाख पच्चीस हजार रुपए रूरल एरिया और दो लाख रुपए अर्बन एरिया में तो दस राज्यों के दोस्तों 130 जिलों में दो ब्रांच है ये एक एनबीएफसी है इसने इंडस इंड बैंक के साथ टाइप कर लिया है ओके दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में पैसा बाजार डॉट कॉम के साथ एक को क्रिएटेड क्रेडिट कार्ड जो है ड्यूएट नाम से लॉन्च किया है तो दोस्तों को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसमें पैसा बाजार का नाम होगा एक तरफ तो दूसरी तरफ आरबीएल बैंक का नाम लिखा होगा और उस क्रेडिट कार्ड का नाम होगा ड्यूएट ठीक है दोस्तों पैसा बाजार एक इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी है आपको यह बताना है कि इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी पहले कितने इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बेच सकती थी और अब कितने इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट को बेच सकती हैं फटाफट बताइएगा आरबीएल बैंक अपनों का बैंक आरबीएल बैंक का पुराना नाम रत्नाकर बैंक है दोस्तों आर सुब्रमण्य कुमार इसके सीएमडी हैं पुराना इसकी पुरानी इसकी हेडकुआटर जो है वो कोल्हापुर में थी अभी मुंबई में है नाइनटीन की ये बैंक है नाइनटीन की ये बैंक है ओके ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों ए एस के कैपिटल मैनेजमेंट ने यूसीआईटीएस रूट के माध्यम से एस के इंडियन आंट्रप्रोन्य फंड नामक भारत आधारित फंड लॉन्च करने के लिए किस देश के सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त की है तो दोस्तों यहाँ पे आयरलैंड के सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त की है आयरलैंड के सेंट्रल बैंक से दोस्तों मंजूरी प्राप्त की है याद रखिएगा ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भविष्य के लिए तैयार आईटी पेशेवरों आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा पुल बनाने के लिए एन के साथ साझेदारी की है एन के साथ दोस्तों साझेदारी की है देखिए एमबी ने बता दिया एमबी ने बता दिया है एम बी दिव्या जो है बहुत तगड़ा खेल रहे हैं समझ हाँ। तो दोस्तों जो है यहाँ पे एच डी एफ सी अरगो जनरल इंश्योरेंस एच डी एफ सी अरगो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाइप हुआ है दोस्तों अभी एन आई आई टी के हेड फाउंडर को कौन सा अवार्ड दिया गया है कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था नवंबर के मंथली करेंट अफेयर में है ना जो कल चली है तीन घंटे तो दोस्तों जो एच डी एफ सी अर्गर जनरल इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों जो है आ, में जो दो लाख का इंश्योरेंस मिलता है वो दोस्तों एच डी एफ सी अर्गो ही देती है सीईओ हैं इसके रितेश कुमार और मुंबई हेडक्वार्टर है ठीक है बात समझ में आ रही है दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आर से लाइसेंस मिल गया है दोस्तों इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है कि पहले कुछ क्राइटेरियाज दिए जाते हैं ये टेम्प्रोरी लाइसेंस होता है कि इस क्राइटेरिया को पूरा करो तब जाके हम तुम्हें लाइसेंस देंगे फुल तो दोस्तों जो है यहाँ पे पे इंडिया को आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है पेमेंट एग्रीगेटर का पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने का दोस्तों अभी ओपन कंपनी को भी लाइसेंस मिला था जब ये न्यूज बनी थी ओके okay? चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किस पोर्टल ने हाल ही में इंडिया का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स जो है लॉन्च किया है दोस्तों पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया है टू मॉनिटर द वैल्यू एक्शन ऑफ प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उनके जो है दोस्तों वैल्यू एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे स्टॉक एक्स डॉट इन ये पोर्टल लॉन्च हुआ है दोस्तों ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स है फर्स्ट प्राइवेट मार्केट इंडेक्स है दोस्तों याद रखेगा स्टॉक एक्स डॉट इन ओके इंटरनेट अनलिस्टेड सिक्योरिटी पोर्टल है इसने स्टॉक मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया है एस जिसका शॉर्ट नेम है इंडिया प्राइवेट मार्केट इंडेक्स बाय यूटिलाइजिंग चेंज परसेंटेज टेक्निक टू मॉनिटर द वैल्यू एक्शन ऑफ प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज ट्रेडेड विद इन द अनलिस्टेड मार्केट ठीक है द इस इंडेक्स में जो है दोस्तों जो है You, uh, एक हजार जो है द इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूटिलाइजिंग वन थाउजेंड एज द बॉटम वर्थ एज ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एक हजार के पॉइंट से दोस्तों इसे शुरू किया गया है ठीक है एक जनवरी को एक हजार पॉइंट मान के इस सूचकांक की शुरुआत की गई है इस इंडेक्स की शुरुआत की गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रतिष्ठित जो सम्मान होता है वो डॉन अवार्ड होता है जैसे हमारे यहां मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है डॉन अवार्ड दोस्तों दूसरी बार किसने जीता है तो ये एसले बार्टी ने जीता है दोस्तों क्लियर है निधि कहां ले जाना है तुमको अपने कमेंट को निधि कह रही सर मेरे कमेंट नहीं जा रहे हैं तुम ले कहा जाना चाहती हो अपने कमेंट को कहीं ले मत जाओ यहीं छोड़ दो यहीं अच्छा लग रहा है कमेंट तुम्हारा दोस्तों एसले बार्टी जो है बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों जो है दूसरी बार जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड जीता इतनी कम उम्र में बात समझ में आ रही है चलिए जिन्होंने 25 साल की उम्र में इस सेल खेल से संन्यास भी ले लिया 2019 में जीती दो बार डॉन अवार्ड जीती 25 साल की उम्र में संन्यास भी ले लिए अभी हमारे लड़के जो एस एस की तैयारी में लगे हुए हैं वहाँ रिटायरमेंट ले ली एसले तीन बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है नंबर वन रैंक की महिला खिलाड़ी है दोस्तों ठीक है याद रखिएगा दो बार पुरस्कार जीतने वाली वो तीसरी व्यक्ति बनी है दोस्तों देश के पीएम का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन द्वारा मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत यानी ग्लोबल एम्बेजर फॉर डायबिटीज के रूप में नॉमिनेट किया गया है नेम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली एज द ग्लोबल एम्बेडर फॉर डायबिटीज बाय द इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन तो दोस्तों यहाँ पे शेख हसीना जो है इन्हें जो है दोस्तों आ, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज चुना गया क्या बात है क्या बात है शेख हसीना को हल्के में मत लेना दोस्तों ये बांग्लादेश के जनक फादर ऑफ बांग्लादेश मुजीब शेख मुजीबुर रहमान की लड़की है जैसे नेहरू जी की लड़की इंदिरा जी थी ठीक है और दोस्तों ऐसी भी बात नहीं है हल्के में इनको और भी मत लेना तीन बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं 96 96 से 2001 सोचो जब अटल जी बने थे पहली बार उन्नीस से 2001 अटल जी के साथ भी ये काम कर चुकी है 2009 से 14 जब मनमोहन सिंह जी की दब, दूसरी बार सरकार आई थी तब भी थी और 2014 से 2024 तक केवल मोदी जी हैं तो भारत में पेट में दर्द हो रहा है कि 10 साल से हैं इनको हटाओ वहाँ पे 2014 से अभी तक ये तीसरी बार है तो सोचो ये जो है कितने साल हो गए करीब बीस साल से ये प्रधानमंत्री हैं बीस साल बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री आपको बताना है दोस्तों कि डायबिटीज़ डे हम लोग कब मनाते हैं डायबिटीज़ डे कब मनाते हैं दोस्तों किस कंपनी ने हाल ही में 410 करोड़ रुपए में उड़ीसा की मोनेट पावर का अधिग्रहण किया है विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड उड़ीसा बेस्ड मोनेट पावर फॉर रुपीज फोर करोड़ रुपीज तो दोस्तों यहाँ पे जिंदल स्टील और पावर को जो है यहाँ पे दोस्तों जो है मोनेट पावर उड़ीसा की जो मोनेट पावर है उसका एक्वायर किया है ओके जिंदल स्टील की हेड जो है आपकी सावित्री जिंदल जी हैं जो भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार होती हैं भारत की सबसे अमीर महिलाओं में भी दोस्तों उनका स्थान है सबसे अमीर महिला है वो दोस्तों स्पेस एक्स ने स्पेस एक्स एलॉन मस्क की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है अब तो स्टार्टअप नहीं रही अब तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई इसने हाल ही में दोस्तों वन वेब वन वेब जो कि ब्रिटेन की कंपनी है जिसमें भारत की एयरटेल ने भी पैसा लगाया है इसमें शेयर लिया है इसमें जो है मालकाना हक भी है उसका इसने रिले जो है दोस्तों सेटेलाइट को कितने वन वेब ब्रॉडबैंड की सर्विस देती है सेटेलाइट ब्रॉडबैंड की तो दोस्तों इसके कितने रिले सेटेलाइट को फॉल्कन नाइन रॉकेट से लॉन्च किया गया है दोस्तों फॉल्कन नाइन रॉकेट से इसके जो है चालीस जो है सेटेलाइट को लॉन्च किया गया वन वे भी इसरो को भी देता है काम कि हमारे सेटेलाइट लॉन्च करो उधर स्पेस एक्स से भी करवाता है कितने सेटेलाइट भैया इसके अंतरिक्ष में जाएंगे कितनी ब्रॉडबैंड सेवा देगा दोस्तों फाल्कन नाइन रॉकेट जो है रीयूज़ेबल रॉकेट है और दोस्तों फाल्कन नाइन रॉकेट से एक बार वन फोर्टी भेजने का रिकॉर्ड भी बना हुआ है वन ठीक है 143 सैटेलाइट्स दोस्तों लॉन्च करने का रिकॉर्ड फॉल्कन नाइन के पास है फॉल्कन दोस्तों साइबेरियन बाज पक्षी है जो कि इंडिया आता है इसी ठंड के समय में करीब बीस हजार किलोमीटर की दूरी तय करने वाला दुनिया में सबसे दूर ज़्यादा दूरी तय करने वाला रैपचर है अमूर फाल्कन जो है दोस्तों आ, का जो वर्ल्ड कैपिटल है उसे नागालैंड को कहा जाता है आपको बताना है कि फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया फाल्कन फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया गया ये आपको बताना है ठीक है दोस्तों भले ही स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है एलॉन मस्क की लेकिन ये लॉन्च पैड यूज करती है नासा की नासा का जो लॉन्च पैड है वो कैनेडी स्पेस सेंटर के नाम से है जो फ्लोरिडा में है अमेरिका में है जैसे कि दोस्तों आप देखो तो अभी विक्रम एस रॉकेट हमारे यहाँ की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया था स्काई रूट ने जो हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी थी 18 नवंबर को साढ़े ग्यारह बजे मिशन आरंभ के रूप में 2018 तो की कंपनी जिसे पवन चंदाना और भारत नागा डाका ने शुरू किया था दोस्तों उसको भी जब लॉन्च किया गया था तो इसरो के ही लॉन्च पैड को यूज़ किया गया था यानी सरकार के लॉन्च पैड को यूज़ किया गया था यानी डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तो कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये नासा के और स्पेस एक्स के इसी कोलेब्रेशन को देखते हुए भारत में किया जा रहा है जिसको अप्रूवल इन स्पेस कंपनी देती है भारत में इन स्पेस ऑथोराइजेशन कंपनी है जो कि स्पेस स्टार्टअप को लॉन्चिंग का टाइम और यह सारी चीजें ऑथोराइजेशन देती है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और पवन गोयन का उसके हेड है ठीक है दोस्तों इसरो के जो छोटे रॉकेट को पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल रॉकेट मोटर PSOM ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किस कंपनी ने यह बूस्टर मोटर को डेवलप किया है तो दोस्तों इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने दोस्तों इस मोटर को डेवलप किया है ओके दोस्तों अभी इसरो की एक जो है कॉमर्शियल आर्म भी है जिसे हम एनएसआईएल कहते हैं एनसिल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका भी हेडक्वाटर दोस्तों बेंगलोर में ही है जहां इसरो का हेडक्वार्टर है ठीक है इसने जो है एच ए एल वाले कंसोटियम को दोस्तों सेलेक्ट किया था पांच पी एस एल वी एक्सएल रॉकेट बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दोस्तों अभी क्रायोजेनिक इंजन वाली फैक्ट्री भी बेंगलोर में ही लगाई है जो इसरो के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाएगी दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार विजेता और लेखक मनोहर देवदास जी का निधन हो गया है उन्हें किस साल जो है भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला था तो दोस्तों इन्हें जो है 2020 में जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2020 में दोस्तों इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड मिला था बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों वो ऑर्डर द बुक फिट एट एनी एज अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फिट एट एनी एज द प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक किसने लिखी है दोस्तों तो ये बुक जो है पी वी अयर ने लिखी है किसने लिखी है मेरे भाई पी वी अयर ने जो है ये बुक लिखी है फिट एट एनी एज अ प्रैक्टिशनर्स गाइड ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों जो पी वी अयर जो है रिटायर्ड एयर मार्शल है जो 92 टू ईयर के हैं और एक दिन में आठ किलोमीटर दौड़ते हैं दोस्तों फिट एट एनी एज ऐसे ही लोग बुक लिख सकते हैं और ये दोस्तों उन्होंने बताया है कि लोग कैसे फिटनेस बना सकते हैं और आराम के लिए पर्याप्त समय छोड़कर किसी भी उम्र में उनकी दैनिक गतिविधियों का हिस्सा बना सकते हैं एयर मार्शल पी वी अयर ने एक फिटनेस यात्रा भी शुरू की जिसने जिसमें उन्होंने दोस्तों एक लाख बीस हजार बाप रे बाप एक लाख बीस हजार किलोमीटर की जो है यात्रा दोस्तों इन्होंने की थी बाप रे बाप दोस्तों अभी हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी जो एयरफोर्स के हेड हैं दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा 8 दिसंबर को पहली पंडुब्बी दोस्तों आईएनएस कलवरी को उन्नीस में शामिल किए जाने की याद में पंडुब्बी दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों सबमरीन डे हम लोग मनाते हैं जब इंडियन नेवी ने 8 दिसंबर को 1967 में अपनी फर्स्ट सबमरीन को इंडक्ट किया था और उसका नाम था आईएनएस कलवरी तो दोस्तों ये जो है कौन सा जो है हम लोग सबमरीन डे मना रहे हैं तो इस बार हम लोगों ने पचपनवा सबमरीन डे मनाया है आठ दिसंबर को दोस्तों अभी हम लोग ने चार दिसंबर को नेवी डे भी मनाया था चार दिसंबर को नेवी डे क्योंकि 1971 में हमने कराची पोर्ट को भारत बांग्लादेश पाकिस्तान वाले युद्ध में दोस्तों पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया था इस खुशी में हम लोग मनाते हैं दोस्तों भारत से 8 जनवरी 8 से 10 जनवरी 2023 तक दोस्तों सत्रहवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा दोस्तों जो कि इंदौर में होगा कहाँ पे होगा इंदौर में होगा 9 जनवरी 1915 को दोस्तों एन महात्मा गांधी जी बाईस साल साउथ अफ्रीका में रह के भारत लौटे थे गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक गुरु के बुलावे पर वो आए थे और दोस्तों यहीं से जो है भारत की जो आज़ादी की जो है दिशा बदल गई गांधी एरा शुरू हो गया और दोस्तों एन होते हुए भी वो यहाँ आए और यहाँ पर आके पूरा जो है आज़ादी मूवमेंट चलाया इसीलिए एन को प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और सभी एन को सम्मानित भी किया जाता है अभी गुयाना के राष्ट्रपति दोस्तों जो है इस पर चीफ गेस्ट बनकर के आ रहे हैं जिनका नाम है इरफान अली क्या नाम है इरफान अली इंदौर में होगा दोस्तों जो कि क्लीनेस्ट सिटी है क्लीनेस्ट सिटी है स्मार्ट सिटी में भी नंबर वन पे है इंदौर रानी अहिल्या होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहां पे दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है तो दोस्तों जो है यहाँ पे कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव का आयोजन जो है वो तमिलनाडु में किया गया कहाँ पे किया गया है तमिलनाडु में ये जो है उत्सव किया गया तमिलनाडु में दोस्तों अभी जो है एक विधेयक पास हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें कि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने की क्या जरूरत है जाके पूजा पाठ करना है लॉकर में जमा करिए मोबाइल ठीक है बहुत बढ़िया तो कोविड नाइनटीन महामारी की वजह से यह उत्सव नहीं मनाया जा रहा था रथ उत्सव लेकिन अब भाई दो साल के बाद फिर से शुरू किया गया है मदुरई में दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस शहर में बाजरा 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया दोस्तों इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 मनाया जा रहा है भारत के ही पहल पे ठीक है अभी मिलेट्स कॉन्क्लेव भारत में भी नई दिल्ली में हुआ था उड़ीसा जो है दोस्तों दस नवंबर को शायद जो है दस या नौ को जो है बाजरा दिवस मनाने का जिसने फैसला किया बाजरा दिवस उड़ीसा ने मनाने का फैसला किया है ठीक है तो दोस्तों जो है यहां पे इंटरनेशनल डे ऑफ जो है ईयर ऑफ मिलेट्स जो है मनाया जा रहा है तो दोस्तों इसे रोम इटली में इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ही वहीं पे है ठीक है और 16 अक्टूबर 1945 को ये आई थी और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है बात समझ में आ रही है दोस्तों अभी बाजरा मिशन जो है ये छत्तीसगढ़ भी जो है मना रहा है और बाजरे का यानी मिलेट्स के हम जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है हाईएस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपेक्टर है द, जो है एक्सपोर्टर दस नवंबर को वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब यहां पे दस नवंबर को वेरी गुड दोस्तों पंद्रह से सत्रह फरवरी दो हजार तेईस को फिजी के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से विश्व हिंदी सम्मेलन के किस एडिशन का आयोजन किया जाएगा फीजी में दोस्तों 2023 में जो है विश्व हिंदी सम्मेलन होगा 15 से 17 फरवरी के बीच में फीजी में होगा दोस्तों ये बारहवा एडिशन होगा याद रखिएगा ये ट्वेल्थ एडिशन होगा विश्व हिंदी सम्मेलन का ठीक है 15 से 17 फरवरी 2023 तक में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दो से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तों वो एज ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये सम्मान जो है वीना नायर को दिया गया है वीना नायर को दिया गया है ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा बी भारत के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है बिजनेस ट्वेंटी भारत के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला को आ, नहीं एन चंद्रशेखरन को किया गया था ना हाँ देखिए यहाँ ऑप्शन गलत है एन चंद्रशेखरन जो टाटा सेंस के हेड हैं उन्हें बी ट्वेंटी के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया दोस्तों जी ट्वेंटी भारत में हो रही है तो जी ट्वेंटी की पहली मीटिंग उदयपुर में शेरपा लेवल की हुई है चार तारीख को चार से सात तारीख तक लेक सिटी में दोस्तों सी uh, ट्वेंटी के हेड माता अमृतानंद मई है बी ट्वेंटी के हेड एन चंद्रशेखरन हो गए जी ट्वेंटी कोआर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रिंगला हो गए जी ट्वेंटी शेरपा अमिताभ कांत हो गए तो ये सब बड़े पोस्ट हैं जी ट्वेंटी को याद रखिएगा दोस्तों इस बार क्वेश्चन आएंगे जी ट्वेंटी में कौन से देश नहीं हैं कौन से नौ देश इन्वाइट किए गए जी ट्वेंटी 1999 में आई 2008 में पहली मीटिंग कहाँ हुई ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे कौन सा एडिशन है ऐसे क्वेश्चन आएंगे थीम क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों जिसकी थीम थी यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन दोस्तों इसकी थीम है ओके याद रखिएगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी और एक लंबे समय तक हाउस्टोनियन को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका नाम है दोस्तों कृष्णा वावीला ठीक है क्लियर है कृष्णा वाविलाला को जो बाइडेन ने दोस्तों जो है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है अभी दोस्तों कुछ दिन पहले इन्होंने एक और पर्सन को किया था क्या नाम था उनका फटाफट बताओ दोस्तों इसरो की एक इकाई ने आई कंपनी के साथ जो है टाइप किया है दोस्तों इसरो की है एक यूनिट है आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग दोस्तों स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल ठीक है तो दोस्तों स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल को डेवलप करने के लिए दोस्तों जो है किसने अभी अप्रोच किया है आईआईआरएस से तो दोस्तों लद्दाख ने किया है लद्दाख ने किया है दोस्तों ठीक है लद्दाख ने दोस्तों अपने यहाँ हैनले में चांगथाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों डार्क नाइट रिजर्व भी बनाया डार्क स्काई रिजर्व भी बनाया है दोस्तों यूनिवर्सल कवरेज डे जो है यूपी सरकार बना रही है कहां पर वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे दोस्तों मनाई जा रही है यूनिवर्सल कवरेज डे कहाँ मनाई जा रही है दोस्तों वाराणसी में मनाई जा रही है ओके okay? क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों यूपी की बात की जाए दोस्तों तो यूपी में जो है चार टाइगर रिजर्व भी हैं जिसमें से पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क भी है और दोस्तों जो है दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है दोस्तों आपका नया जो बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व ठीक है ये चार टाइगर रिजर्व है अभी दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक बना है जो कि आपका एम में बना है ठीक है खैर एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो यूपी में तराई एलिफेंट रिजर्व बना है और तमिलनाडु में अगस्त मलाई टाइगर अरे एलिफेंट रिजर्व बना है तो दो एलिफेंट रिजर्व भी नए नए न्यूज में दोस्तों कृषि उड़ान स्कीम 2.0 जो है वो किससे रिलेटेड है तो दोस्तों एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है उड़ान का फुल फॉर्म है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक दोस्तों पूरे देश का आम नागरिक दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अब तक अट्ठावन एयरपोर्ट जो है कृषि उड़ान 2.0 के तहत कवर किए गए ये उड़ान योजना का कृषि वाला पार्ट है क्या मतलब है जो पेरिसेबल गुड्स है जैसे मीट मांस मछली दूध ये सब भाई सड़ जाएंगे ना सब्जी फल ये सब बासी हो जाएंगे तो इनको जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए फ़्लाइट्स के यूज़ किए जाते हैं दोस्तों एयर रूट का यूज़ किया जाता है जो कि रोड कनेक्टिविटी के लिए जो है कि सही नहीं है उन एरिया से पहाड़ी इलाकों से दोस्तों जो है माल लाने के लिए गुड्स लाने के लिए कृषि उड़ान योजना का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों नाइनटीन एशियन आर्ट बाईनियल जो है ये किस देश में आयोजित किया गया उन्नीसवा एशियाई कला द्विवार्षिक किस देश में आयोजित किया बाई एन का मतलब होता है कि दो साल में एक बार होने वाला समारोह तो एशियन आर्ट फेस्टिवल जो है उन्नीसवां हुआ है दोस्तों जिसे बांग्लादेश में किया गया तो एशियन आर्ट फेस्टिवल कहां हुआ है बांग्लादेश में हुआ है दोस्तों याद रखेंगे ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो ढाका दोस्तों यहाँ की कैपिटल है टका यहाँ की करेंसी है और बिमस्टेक का मुख्यालय दोस्तों बांग्लादेश में है बांग्लादेश का मुख्यालय का है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो ये बांग्लादेश नेवी के द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को जो है दोस्तों आयोजित किया जा रहा है क्योंकि ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्हें कि हम लोग बंग बंधु के नाम से जानते हैं शेख हसीना के फादर जो थे बांग्लादेश के जनक उन्हीं को कहा जाता है उनकी जन शताब्दी मनाई जा रही है उनके जो है बर्थडे के सौवा वर्ष है दोस्तों उसे मनाया जा रहा है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए और भाई बंग बंधु जी को शेख मुजीबुर रहमान जी को हमने गांधी पीस प्राइज भी दिया था पिछले साल और हमने जो है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके नाम से रिसर्च चेयर की भी शुरुआत करी थी दोस्तों किस शहर में रैपिड रोड की एक नई तकनीक ओपन की गई है न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ रैपिड रोड हैज बीन ओपन इन विच सिटी दोस्तों ये बताइएगा रैपिड रोड की नई टेक्नोलॉजी जो है वो किस शहर में ओपन की गई है तो दोस्तों ये बेंगलोर में नई टेक्निक ओपन की गई है ओके okay? क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने जो है बेंगलोर में जो है एक नई टेक्निक जो है डेवलप की है रैपिड रोड ओके दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान हैज बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है तो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में शुरू की गई है कहां पे शुरू की गई है तमिलनाडु में शुरू की गई है ओके क्लियर है तो दोस्तों इसके लिए सतहत्तर दशमलव तीन पांच करोड़ रुपए का कोष भी आवंटित किया गया दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी हैं तमिलनाडु इस बार डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में नंबर वन पे रहा है डोमेस्टिक टूरिस्टों को और इसका मामल्लापुरम जहां चेस ओलंपियाड हुआ था उसने फॉरेन टूरिस्टों को अट्रैक्ट किया है सबसे ज्यादा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टॉलिन जी हैं अपने पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि जी की मूर्ति भी लगाए थे दोस्तों अभी चेन्नई की तरफ जो है मंदौस जिसे मोंडूज भी कहा जा रहा है तूफान आ रहा है दोस्तों जो कि सऊदी अरब ने नाम अरे यूएई ने नाम दिया था संयुक्त अरब अमीरात ने नाम दिया था दोस्तों स्टॉलिन जी की अपनी एक बुक भी है जिसका नाम है वंग अमंग यू दोस्तों किस राज्य में जेल प्रहरियों की वर्दी पर कैमरे लगाने की नई योजना शुरू की गई है तो दोस्तों यहाँ पे जेल प्रहरियों की वर्दी पर कैमरे लगाने की नई योजना दोस्तों तमिलनाडु में ही शुरू की गई है दोस्तों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टालिन जी हैं जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 44वां चेस ओलंपियाड इन्होंने आयोजित किया था बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम इन्होंने किया था जिसमें नमक्कम चेन्नई वणक्कम चेन्नई नाम से दोस्तों ए आर रहमान ने गाना भी गाया था ए आर रहमान दोस्तों कनाडा के मार्खम आ, रोड का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है अगर बात करें तो तमिलनाडु के ही विश्वनाथन आनंद जी हैं जो चेस के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जिन्हों जिन्हों जिन्होंने दोस्तों पहला खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था नाइनटीन नाइन्टी वन टू में ठीक है और दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है याद रखिएगा तमिलनाडु में दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है मुकुर्ती नेशनल पार्क है आ, आ, पलानी हिल्स नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है गुंडी नेशनल पार्क है दोस्तों बहुत सारे नेशनल पार्क मलाई वाले तो सारे हैं अगस्त मलाई मेगा मलाई मुडू मलाई अन्ना मलाई सब यहाँ पे है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व में तो दोस्तों एलिफेंट्स के लिए जो है वहां पे फ्रेमवर्क आया है ऑडिट फ्रेमवर्क की पोस्टमार्टम होगा जिन लोगों ने जंबो ट्रेल यहाँ पे इनकी हत्याएं की है उनके खिलाफ एफ भी होंगे दोस्तों वहां पे मरीन लाइफ को जो है क्योंकि मरीन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार तो दोस्तों मरीन लाइफ के लिए मरीन इलिट फोर्स भी लॉन्च की गई है तमिलनाडु में और वहां पे समुद्री गायों का कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर डेनमार्क के साथ मिलकर ये लोग एनर्जी आइलैंड भी बना रहे हैं दोस्तों ठीक है क्लियर है तमिलनाडु में ही दोस्तों ओला की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है स्कूटर बनाने की है ना जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन दिया था इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है किसने लोन दिया था ओला को ओला के भावीश अग्रवाल अभी जो है सबसे बड़ी जो है इलेक्ट्रिक कार भी बनाने की फैक्ट्री वहां पे जो है कि दोस्तों वहीं पर दोस्तों शुरू करने वाले हैं ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये सब दोस्तों तमिलनाडु के बारे में है ज्यादा से ज्यादा जानिए तमिलनाडु के बारे में आ, क्योंकि भैया ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ओके तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने करेंट अफेयर को पढ़ा है ताबड़तोड़ तरीके से ठीक है और कोई बात है तो आप लोग बताइए ताबड़तोड़ तरीके से सर बताइए दिव्या ग्रेट सीज क्या चीज यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मस्कॉट थम्बी है दिव्या ने बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है ये देखते हैं दिव्या ने बताया है कि मेंस में उज्बेकिस्तान ने जीता है और वीमेन्स में यूक्रेन ने जीता है इंडिया दोनों में ओपन कैटेगरी में भी और वीमेन कैटेगरी में भी दोनों में जो है ब्रॉन्ज जीता है वेरी गुड बहुत बढ़िया चौवालीसवा यहां पे होगा और छियालीसवा जो है उज्बेकिस्तान में होगा वेरी गुड और पैतालीसवा कहां पे होगा चेस ओलंपियाड 45वां कहां पे होगा शिव कुमार करे सर लव यू लव यू टू यार सचिन व्यवहारे करे थैंक यू सो मच हमारे पी सर ठीक है हमारे वाले में कहां से आया हम लोग में जो है एग्जामपुर में बैंकपुर में एक मैम पढ़ाती थी नैन्सी भाटिया मैम आजकल नैन्सी मैम चली गई अड्डा में तो वो बोलती थी हमारे हमारे तो बोलो कैसे हो बोलो तो दोस्तों जो वहाँ से जो है हमने कहा यार हमको भी हमारे बोला करो हमारे बच्चे हमारे बच्चे तो जो है वहाँ से सब बच्चे हमको भी हाँ हमारे प्यूसर हमारे प्यूसर करने लगे तो ये वहाँ से जो है वर्ड आया हमारे और जो है गूगल सर कहाँ से टर्म आया ये अड्डा में जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे जो है आई बी पी एस क्लर्क की जो है हम लोग बेस्ट टू हंड्रेड सीरीज चला रहे थे और उसमें जो है जो भी बच्चे पूछते थे हम लोग बताते थे और बड़े डिटेल में बताते थे तो, तो बच्चों ने वहाँ गूगल सर नाम रख दिया कि कुछ भी जानना है तो गूगल वूगल करने जो नहीं पीयूष सर से पूछो वो उसका पूरा इतिहास भूगोल पूरा आपको बढ़िया से इंटरेस्टिंग तरीके से बता दे वहाँ से गूगल सर नाम जो है कि बच्चों ने दिया तो ये सब आप ही लोगों का है जो है याद आती है कि भाई हमारे शब्द कहाँ से आया है ना ये जो है शब्द कहाँ से आया गूगल सर कहाँ से आया मज़ा आता है तो चलो भैया तुम लोग खुश रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो और क्या चाहिए ठीक है ठीक है प्रीति ओके एम बी गूगल सर तो फिट बैठता है आपके नाम पे देख लो गूगल भी जो है उनको जो है क्या नाम था किरण मजूमदार शाह या उनको सेवेंटी टू पे दिखा रहा था लेकिन हम लोग सेवेंटी सेवन पे दिखा रहे हैं देख लो गूगल से भी बढ़िया रिजल्ट है इधर पे है कि नहीं चलो बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और आगे बढ़ाइए चैनल को और लाइक करके जाना है सबको और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे ठीक है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक बार डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सरकारी परीक्षा डॉट कॉम पर जाओ वहां पर दोस्तों पैकेजेस हैं उसे देखो मॉक टेस्ट का पैकेज है, है ना उसको भी देखो है ना चलो तो मैं अपना कोड भी तुम लोग को बता दूंगा है ना तो मेरे कोड से भी तुम लोग जो है वो मॉक टेस्ट ले सकते हो मॉक टेस्ट है स्टडी मटेरियल्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको एक साल की वैलिडिटी का पूरा वो मिल जाती है मॉक टेस्ट दो स्टडी मटेरियल्स हैं है ना और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सब कुछ है उस पर बात समझ में आ रही है श्री कुमार कह रहे सर ऑफलाइन में आगरा में जलवा था आपका सब दीवाने थे आपके क्या बात है शिव कुमार थैंक यू यार ये सब तुम लोग का प्यार ही है तो जो आज तक तुम हम लोग से जुड़े हुए हो बस अब ये नहीं चाहता मैं कि तुम इस साल भी जुड़े रहो क्योंकि भाई अब सिलेक्शन लो और जो है जाओ इसी साल तुम ऑनलाइन हमसे जुड़े हो और एक ही साल में विदा करने का तुम्हारी प्लानिंग है हम आपको मैं ज्यादा दिन तक अपने साथ अपने बच्चों को रखता नहीं हूँ ठीक है जैसे प्रतीक नंदवाना है वो सेलेक्ट भी हो गया और जीआईबी भी, भी क्वालिफाई कर गया फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमारे विद्यार्थी जहाँ भी जाते हैं झंडे गाड़ते हैं यानी इंटरनल प्रमोशन भी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लिया सोचो जो अंदर एग्जाम होता है वो भी उसने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर लिया ठीक है क्लियर है क्या बात है शिव <laughs> कुमार के सर हम तो लड़ जाते थे कि क्लास होगी पीयूष सर की हाँ ये होता था अगर कोई और टीचर घुस जाता था तो बच्चे लड़ जाते थे अरे पीयूष सर की क्लास होगी आप जाइए <laughs> टीचर से लड़ जाते थे बाकी से लड़ जाते थे कह रहे थे नहीं ये पीयूष सर की क्लास है आज सर जाए और एक तो हम लोग का ऐसा ग्रुप था एक मतलब स्टूडेंट्स का ऐसा ग्रुप था जो कि केवल मीनस की, की तैयारी करते थे तो वो पाँच छः दस बच्चों का ग्रुप था वो सीरियस बच्चों का वो जहाँ भी मेरी क्लास होती थी उस क्लास में घुस जाते थे तो कभी कभी जब मेरी क्लास नहीं होती थी तो भी उस बच्चे को पता नहीं शेड्यूल चेंज हो गया है तो वो सब बच्चे जब देखते थे तो क्लास वाले अंदर से कहते थे उन सब को देख के अरे प्यूसर की क्लास नहीं है जाओ जाओ यहाँ पे प्यूसर की क्लास नहीं है तो ऐसा भी होता था वो वहां पे पढ़ा रहे उस हॉल में पढ़ा रहे इस समय जाओ तो वो कहीं भी मेरी क्लास होती थी वो एक के बाद एक बार एक में जाके पढ़ते रहते थे ठीक है चलो जहाँ पियू सर्वाम थैंक यू चलो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद खुश रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो बाय टेक केयर लव यू ऑल